हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर नर्वस सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में दो तरह कंट्रोल होता है, एक जिसे हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे न्यूरल कंट्रोल कहते हैं। इनको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। आज हम स्टडी करने चल रहे हैं वो हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन और उसके लिए रिस्पॉन्सिव नर्व्स, हमारा नर्वस सिस्टम वो क्या है। ठीक है, एक्चुअल मैं आपको इससे पहले बता दूं कि नर्वस सिस्टम जो मिलता है ये स्टार्ट होता है पोरिफेरा फाइलम से, और पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। सीलेंटेट्स में फर्स्ट नर्वस सिस्टम मिलता है, वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर सिर्फ नर्व सेल्स होती है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं, वहाँ कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं मिलता। लेकिन हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम यहां देखें, नर्वस सिस्टम इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्टकट हम इसको CNS, सी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो हमारा है वो PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारे नर्व फाइबर्स आते हैं। और जो थर्ड है हमारा, इसको कहते हैं ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ए फॉर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 आपकी कुछ बुक्स में PNS और ANS को एक साथ रखा गया है, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को एक साथ रखा गया, बट दे आर डिफरेंट इन देयर फंक्शन। तो पहले देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड हमारा जो है ये PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये सिर्फ नर्व फाइबर्स है हमारे, इनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। फर्स्ट हमारा ब्रेन से जो रिलीज होती है, दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। एंड सेकेंड विच रिलीज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। 2 पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी हुए। थर्ड हमारा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक होता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंड करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिंपैथेटिक नर्व्स। दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स विच इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स आर दोज नर्व्स विच इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल। ठीक है, सेकेंड थर्ड वन इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स गैंगलियन होती है। ओके, अब यहां पर आते हैं हम, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन है, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, और ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, इससे पहले कि हम नर्वस सिस्टम स्टडी करें, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एक सिंगल नर्व सेल के विषय में। एक सिंगल नर्व सेल्स में होता क्या क्या है, वेरी इजी स्ट्रक्चर है, आप कैसा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो उसको ये रॉन्ग नहीं होगा। आपने बनाया ये एक्सॉन बनाइए एंड लास्ट टेल रीजन, और टेल रीजन के पास यहां पर नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं, दिस वन कवरिंग दैट इज द शीथ विच कॉल्ड माइलिन शीथ।
Okay, these are the nucleus that is main nerve cell site on body. Chalo. So it is a, ye kya hai? This is a nerve cell. Nerve cell. Parts ko learning karna hai. Dendrites. Very easy hai. Dendrites. Second one is that is site on body. Cell body hai. Site on body hai. This one is nucleus. These are the these grain like substances they are called क्या कहते हैं इसको हम Nissl's granule. Nissl's granules they are mainly ribosomes. This sheath covering of the nerve cells. This sheath is made up of lipid fat body. It is called myelin sheath. Myelin sheath. And this is the axon. This one button, or it is also called as knob. These are nodes. जहां पर myelin sheath absent है, they are called nodes. और जहां पर myelin sheath है, these are called internodes. Internodes. Okay. This cells is called Schwann cells. This myelin sheath cell is called Schwann cells. Okay. Okay. बाकी की ब्रेन की स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.